नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली कैपिटल की इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है आईपीएल 2023 में, क्योंकि ऋषभ पंत इस बार नहीं रहेंगे। एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हो गया और इस हादसे के बाद हर किसी को पता है कि इस बार दिल्ली कैपिटल के साथ ऋषभ पंत खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन ऋषभ पंत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन विकेट कीपर होगा, तमाम तरीके की बातें इस बात पर चल रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर हो रही है कि ऋषभ पंत के गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी को बेहतर करने के लिए, दिल्ली कैपिटल को मजबूत करने के लिए दादा आ रहे हैं। जी हाँ, दादा मतलब सौरभ गांगुली। आप लोगों को पता होगा सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट के कितने बड़े कप्तान रहे हैं, किस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं। दिल्ली कैपिटल के साथ पहले भी जुड़े थे, 2019 में दिल्ली कैपिटल के साथ मेंटर के तौर पर वो जुड़े रहे हैं। लेकिन 2023 दिल्ली कैपिटल के लिए अहम इसलिए है क्योंकि कप्तान उनके साथ नहीं होगा। ऋषभ पंत का हादसा हो गया, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, वो इस बार होंगे नहीं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली कैपिटल को मजबूत बनाने के लिए किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसी तरीके का हो, जो कप्तानी करना जानता हो, जो बेहतर खिलाड़ी हो, जो जानता हो कि किस तरीके से मैच को जीता जाता है। तो जाहिर तौर पर ये बीच दिल्ली कैपिटल की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि दादा किसी एक रोल में दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ेंगे। अब वो रोल क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल हो सकता है कि चीफ ऑफ डायरेक्टर दादा को बना दिया जाए। मतलब दिल्ली कैपिटल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, बात साउथ अफ्रीका लीग की कर लीजिए या फिर T10, मतलब जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं दिल्ली कैपिटल की, उन सारी फ्रेंचाइजीज की, मतलब आईपीएल के साथ साथ जितनी भी दिल्ली कैपिटल की फ्रेंचाइजीज हैं, उन सारी फ्रेंचाइजीज को दादा देखेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है वो सारा चीज़ दादा करेंगे। और जाहिर तौर पर आईपीएल 2023 से पहले ये एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली कैपिटल के लिए है कि दादा दोबारा से दिल्ली कैपिटल में एंट्री कर रहे हैं। दरअसल दादा पहले जुड़े थे तो दिल्ली कैपिटल का और दादा का जो एक सामंजस्य है, जो एक कॉम्बिनेशन है, वो बहुत बेहतर है। इसीलिए सूत्र का कहना है कि दादा बहुत जल्द, मतलब इसकी घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि दिल्ली कैपिटल के साथ दादा जो है वो जुड़ रहे हैं। और इसका फायदा दिल्ली कैपिटल को होगा क्योंकि ऋषभ पंत नहीं होंगे, कप्तान नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर किसी नए खिलाड़ी को कप्तानी दी जाएगी। डेविड वॉर्नर उस लाइन रेस में आगे चल रहे हैं। मनीष पांडे के बारे में लगातार बोला जा रहा है कि मनीष पांडे को कप्तान बना दीजिए। पृथ्वी शो के बारे में लगातार बोला जा रहा है कि पृथ्वी शो को कप्तान बना दीजिए। इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। तो अब जाहिर तौर पर जिस नए खिलाड़ी को कप्तानी दी जाएगी वो कितना बेहतर कर पाएगा, दिल्ली कैपिटल को कितना बेहतर समझ पाएगा, इसका फायदा तब मिलेगा जब दादा जैसा खिलाड़ी आसपास में होगा, इंसान आसपास, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल को समझते हैं, वो दिल्ली कैपिटल की के साथ पहले जुड़ चुके हैं, तो इसलिए उनको पता है कि दिल्ली कैपिटल का माहौल किस तरीके से होता है। तो जाहिर तौर पर ऋषभ पंत के बाद जो भी नया कप्तान बनेगा उसके मदद के लिए दादा का होना बहुत जरूरी है। तो आपका इस फैसले पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल में दादा की वापसी दिल्ली कैपिटल को जीत की पटरी पर दोबारा से ला सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।